नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मंत्री को हटाया गया है, बहुत सारे नए मिनिस्टर बने, 36 न्यू मिनिस्टर बने इस बार, ठीक है। देखिए किनका किनका चेयर गया है। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद का, जो लॉ मिनिस्टर थे, आईटी मिनिस्टर थे, दोनों उनसे ले लिया गया है। हर्षवर्धन का, हेल्थ मिनिस्टर जो थे, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर का, जो कि पर्यावरण मिनिस्टर थे, बहुत बड़े बड़े लोगों का चेयर गया इस बार, ठीक है। अब देखिए इन लोगों को हटा करके नए नए मिनिस्टर बनाएंगे, तो चलिए उनके बारे में पढ़ेंगे जो कैबिनेट में बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है, ठीक है। ये तो मोदी जी के पास जो मंत्रालय था वो तो है ही, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवरेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सारे तो इन्हीं के पास है, ठीक है। जो मोदी जी के पास था वो सारे इनके पास है। ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, यानी कि जो पोर्टफोलियो किसी मिनिस्टर को नहीं दिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। जितना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है सारे प्राइम मिनिस्टर अपने पास ही रखते हैं, जैसे पर्सनल, पेंशन, ग्रेवरेंस, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, यानी DRDO वगैरह जो इन्हीं के अंडर में रहता है। श्री राजनाथ सिंह, इनके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो तो है ही। अमित शाह के पास भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है। एक इनको एक्स्ट्रा मिल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। तो इनके पास एक मंत्रालय इस बार बढ़ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, श्री नितिन गडकरी, इनको रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री था, इसके साथ एक इनके पास क्या था, MSME मिनिस्ट्री, जो कि MSME मिनिस्ट्री था जो कि अब नहीं है इनके पास, वो दे दिया गया है नए मिनिस्टर को, ठीक है। चलिए किनको दिया गया आगे पढ़ेंगे। इनके पास दो था, एक मिनिस्ट्री एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे था, MSME था, ये दे दिया गया किसी और मिनिस्टर को, देखते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण, कोई चेंज नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, सेम टू सेम। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास जो मंत्रालय था वही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, ठीक है। ये भी काफ़ी परेशान है, किसानों ने, राकेश टिकैत ने हालत ख़राब कर रखा है इन लोगों का, ज़बरदस्ती के धरना देते करके, फिर भी इन्होंने बातचीत के लिए कई राउंड ऑफर किया है उनको। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी एस जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनको तो चेंज होने का सवाल ही नहीं, इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मोदी जी के कैबिनेट में है, कितना भी बड़ा से बड़ा मंत्री रहो, अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको ज़रूर हटाया जाएगा। जैसे रविशंकर प्रसाद का देख लीजिए, हेल्थ मिनिस्टर का देख लीजिए, हर्षवर्धन का, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का मंत्रालय छीना गया है, ठीक है। एस जयशंकर जो कि काफ़ी अच्छे मिनिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नो चेंज, पहले भी ये थे। स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इनसे कपड़ा मंत्रालय छीन लिया गया है, ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनसे ले लिया गया है, किसी और को दिया गया है, ठीक है, यानी इनका मंत्रालय थोड़ा हल्का कर दिया गया है। श्री पीयूष गोयल, इनके पास रेल मिनिस्ट्री था, जो कि रेल मिनिस्ट्री किन्हीं और को दे दिया गया है, किनको दिया गया है आगे पढ़ेंगे। इनके पास अभी भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, अभी भी इनके पास तीन बड़े बड़े मंत्रालय हैं। एक रेल मंत्रालय था जो कि वैष्णो को दे दिया गया। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, देखिए ये थे पेट्रोलियम मंत्री थे और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो पेट्रोलियम मंत्री इनसे ले लिया गया है और इनको दे दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, इनके पास तीन तीन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं श्री प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है श्री नारायण तनु राणे, ये महाराष्ट्र से आते हैं, ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं,
इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, नितिन गडकरी का एक मंत्रालय था एमएसएमई, वो उनसे लेकर के इनको दे दिया गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिला हुआ था नितिन गडकरी को, तो ये मिल गया है नारायण राणे को। ठीक है, ये महाराष्ट्र से आते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं ये महाराष्ट्र में। श्री सर्वानंद सोनोवाल, ये पहले असम के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, वहाँ पे अब हेमंत विश्वकर्मा को बनाया गया चीफ मिनिस्टर और इनको केंद्र में लाया गया। ठीक है, काफ़ी तेज तरार मंत्री हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, ये भी नितिन गडकरी के पास था जो इनको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये यशोपद नायक के पास था जो इनको दिया गया, ये काफ़ी मोदी जी के करीब का मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय। तो इनके पास दो मंत्रालय दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, इनका सेम टू सेम पुराना वाला ही है, इनमें कोई चेंज नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी सेम है। ठीक है, श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, इनको दिया गया है पंचायती राज, एक एक्स्ट्रा दिया गया। ठीक है, ये बिहार से आते हैं हमारे। श्री ज्योतिराव सिंधिया, ज्योतिराव आदित्य माधवराव सिंधिया। ठीक है, ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, ये बीजेपी में आए थे एक डेढ़ साल पहले, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आते हैं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिया गया। ठीक है, ज्योतिराव सिंधिया को। नेक्स्ट, काफ़ी तेज तरार नेता है ये, बीजेपी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में इनका अहम रोल है। नेक्स्ट है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनको दिया गया। श्री अश्विनी वैष्णव, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मंत्रालय पहले था पीयूष गोयल के पास, ये काफ़ी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आईआईटीएन है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज तरार ये माने जाते हैं। इनके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्ट्री भी इनको दिया गया, रविशंकर प्रसाद का मंत्रालय दे दिया गया इनको, और एक मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिया गया। काफ़ी इनका चर्चा है। ठीक है, काफ़ी तेज तरार ये व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी समझदार हैं, इनसे उम्मीद है कि रेलवे में काफ़ी बड़े चेंजेस ला सकते हैं रेलवे के अंदर में। ठीक है, इन्होंने चेंजेस करने भी शुरू कर दिए हैं, बनने के जस्ट अगले दिन बोला कि रेलवे में दो शिफ्ट में काम होगा, एक 7 से 3, दूसरा 3 से 12। ठीक है, तो ये हैं श्री अश्विनी वैष्णव, जिनका भी काफ़ी चर्चा चल रहा है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मिनिस्टर में इनका नाम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्री पशुपति कुमार पारस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, ये हमारे बिहार से आते हैं, हाजीपुर से जीतते हैं ये। ठीक है, रामविलास पासवान के भाई हैं और इनको लोजपा की ओर से बनाया गया है। पहले थे रामविलास पासवान जी फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, अब फिर से इनको दे दिया गया है, इनके भाई को श्री पशुपति कुमार पारस को दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया गया, तो पुराना ही है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया गया है, ये तो पहले से ही। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाया गया, इनका भी प्रमोशन हुआ है। रविशंकर प्रसाद का लॉ मिनिस्ट्री इनको दे दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेट मिनिस्टर से डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर, इनका प्रमोशन हुआ है ज़बरदस्त। श्री आर के सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने बहुत अच्छा पावर सेक्टर में काम किया है। ठीक है, पहले ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, इनका काम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, समय से पहले काम पूरा किया है इन्होंने। आर के सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्हीं के अंडर में आता है। श्री हरदीप सिंह पुरी, ये सारे ब्यूरोक्रेट थे, इनको ला करके इन्हें मंत्री बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान वाला दिया गया श्री हरदीप सिंह पुरी को। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, इनके पास था ही पहले से, इनको एक एक्स्ट्रा दिया गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। श्री मनसुख एल मांडवी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिया गया है, हर्षवर्धन
पहले थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इनको दिया गया है, ठीक है। इनका इंग्लिश थोड़ा ख़राब है, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंग्लिश खराब होने से जरूरी नहीं है कि वो खराब व्यक्ति हो सकता है। तो श्री मनसुख एल मांडवी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्हीं के अंडर में है। इनके हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है? श्री मनसुख एल मांडवी। श्री भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर वाला डिपार्टमेंट छीन करके इनसे दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर के पास था ये पहले, ये उनसे लेकर के दिया गया। श्री भूपेंद्र यादव को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी इनके पास है, यानी इनके पास दो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री दिया गया है, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे को क्या दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। श्री परसोत्तम रूपाला को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी दिया गया, ठीक है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला को क्या दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी, ठीक है। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है। जी किशन रेड्डी होम मिनिस्ट्री के अंदर ये थे स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। तो इनको और मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन दिया गया। श्री अनुराग ठाकुर इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दिया गया है। और इनका देखिए क्या क्या मिला, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनको बना दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इनको बना दिया गया, ठीक है। श्री अनुराग ठाकुर क्या बना गया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स बना दिया गया। इन लोगों का गज प्रमोशन हुआ है। जो लोग अच्छा काम किए हैं स्टेट मिनिस्ट्री में रह करके उनको प्रमोशन दिया गया है, ठीक है। जैसे जी किशन रेड्डी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर को, ठीक है। जो लोग काम नहीं किए उनको हटाया भी गया। श्री राव इंद्रजीत सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इनके अंदर दो मिनिस्ट्री है, राव इंद्रजीत सिंह। श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, इनको जो जो था इनके पास ये। श्री राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी इनको दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रेवरेंस पेंशन डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। श्री अशोकपत नायक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिया गया। ये सब स्टेट मंत्री हैं ये, ठीक है। ये सब कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में नहीं आते हैं, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे आते हैं ये, ठीक है। ये सब कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर वाले थे। श्री अशोकपत नायक इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिया गया। श्री फैगे सिंह खुलस्ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिया गया। श्री प्रहलाद सिंह पटेल को दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अश्विनी कुमार चौबे को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। श्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बी के सिंह को क्या दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ये स्टेट में है ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री है। श्री कृष्ण पाल मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। श्री दानवे रोसाबे दादा राव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में इनको स्टेट का, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, मिनिस्ट्री ऑफ माइन में इनको दिया गया, स्टेट मिनिस्टर बनाए गए इनको। रामदास अठावले को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट बनाया गया है।
साधु निरंजन ज्योति को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इन लोगों को सारे स्टेट मिनिस्टर। संजीव कुमार बलियान को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग बनाया गया है। श्री नित्यानंद राय को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, होम अफेयर्स किसी बस से होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके अंडर में ये लोग काम करते हैं राज्य में, स्टेट मिनिस्टर से। श्री पंकज चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया गया है। श्रीमती अनुप्रिया पटेल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाया गया है। प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, श्री राजीव चंद्रशेखर को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया है। सुश्री शोभा करांडालजे को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बनाया गया है। सुश्री शोभा करांडालजे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बनाया गया है, ये न्यू है। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एमएसएमई में राज्य मंत्री बनाया गया, ठीक है। श्रीमती दर्शन विक्रम जारदोस को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सब स्टेट मंत्री इन लोगों को बनाया गया। श्री एम मुरलीधरन को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रवक्ता है, दिल्ली से है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाया, काफ़ी अच्छी लॉयर भी है ये मीनाक्षी लेखी। श्री सोम प्रकाश को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाया गया है। श्रीमती रेणुका सिंह सरुता को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। श्री रामेश्वर तेली को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री कैलाश चौधरी को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, सारे स्टेट मिनिस्टर हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी को, ये सब स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। श्री ए नारायण स्वामी को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट। श्री कौशल किशोर को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। श्री अजय भट्ट को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। श्री बी एल वर्मा को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो नया मंत्रालय बना है, इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अमित शाह। श्री अजय कुमार को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। श्री देवभूनीश चौहान को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। श्री भगवंत खूबा को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। स्टेट मिनिस्टर से अलग उतना आता नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर सारे याद रहने चाहिए, ठीक है दोस्तों, स्टेट मिनिस्टर से उतना आता नहीं है लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर सारे याद रहने चाहिए। श्री कपिल मुरेश्वर पटेल को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दिया गया। सुश्री प्रतिमा को भौमिक को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट दिया गया। डॉक्टर सुभाष सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया, ठीक है। डॉक्टर भागवत किशन राव कराडे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया गया। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया। श्री विश्वेश्वर टूडू को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया गया। श्री शांतनु ठाकुर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे दिया गया। डॉक्टर मुजापुरा महेंद्रा भाभी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सीधा होम्योपैथी दिया गया, आयुष मंत्रालय। श्री जॉन बरला को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया। एल मुरुगन को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डायरी सुन दिया गया, सारे स्टेट मिनिस्टर हैं। श्री निश्चित परमानी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स दिया गया, ठीक है दोस्तों। इतने सारे मंत्रालय इस बार 36 न्यू मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक के मंत्रालय में सबसे ज़्यादा वुमेन को रिप्रेजेंटेशन पहली बार मिला है, ठीक है, मोदी कैबिनेट में 11 वुमेन, कितने वुमेन हैं,
फर्स्ट बार मंत्रालय में 11 वुमेन, मंत्री बना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 में जो रिसफल हुआ है, जो चेंजेज हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि नया नया मिनिस्टर कौन कौन बने हैं, ठीक है। इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। खास करके जो फेमस है, जैसे रेलवे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, बाकी तो सारे पुराने वाले ही हैं। रेलवे मिनिस्टर कौन बने अभी इस बार? श्री वैष्णव है कि नहीं? कौन बना रेलवे मिनिस्टर? श्री अश्विनी वैष्णव, इनके पास आईटी मिनिस्ट्री भी दी, आईटी और रेलवे दोनों दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? इनको थोड़ी अंग्रेजी कम आती है, श्री मनसुख एल मांडवी, ये सब रेलवे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सब मुंह पर रहना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जानते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये सारे मुंह पर रहना चाहिए। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी है, ठीक है। पीयूष गोयल के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बच गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमें सारे मंत्रालय मुंह पे याद रखने चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज कैबिनेट में जो चेंजेस हुए, न्यू मंत्री बने, कैबिनेट उनके बारे में पढ़े हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। Thank you.